हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल से भी होंगे। तो गाइस, अभी शाम के बजे 5 हो और मैं जा रहा हूँ सुगाड़ में। सुगाड़ जिसको किचन गार्डन कहते हैं, क्योंकि वहाँ गाय बांधी हुई थी, उसको दिन भर कुछ खाने के लिए नहीं मिल गया और बारिश भी काफ़ी लगी हुई थी। मैं उसको अपने लान में उसको घास खिलाता हूँ, तो जाता हूँ अभी गाय के पास। पहुंच गया हूँ मैं अपने बाग में, जहाँ गाय को बांधा हुआ है और ये सेब लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे गाय मुझे देख के चुप हो गई है, अभी तक सोई हुई थी। अब मैं इसको खिलाता हूँ सेब, देखते हैं सेब खाती कि नहीं। बुना बुना देखो कैसे देख रही है। सेब खाना है? ले ले खा। ये भी करा दिया यार, गोबर में करा दिया। अब गोबर में खाएगी, पर हाथ में ऐसे नहीं खाई। और यह है नार के पेड़, काफ़ी नार लगे हुए हैं। थोड़े टाइम के बाद ये भी बड़े हो जाएंगे, तो गाय को लेते हैं अभी ऊपर और इसको खिलाने के लिए डाला मैंने घास। बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर घास भी नहीं लगा। खाएगी अब जो होगा, थोड़ा बहुत खा लेगी। आज थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, अब एक दो दिन तक थोड़ा उग जाएगा, फिर तो काफ़ी घास हो जाएगा। तो गाइस, ये है हमारे बैंगन के पेड़ लगे हुए हैं हमारे किचन गार्डन में, साथ में कड़म। और ये रही शिमला मिर्च के पेड़, अभी छोटे हैं। और साथ में टमाटर है, ये इनकी बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, इसमें लगाई है हमने बीच में लकड़ी ताकि गिरे नहीं, क्योंकि गिरने से ये ख़राब हो जाते हैं और फिर खाने के लायक नहीं रहते। और साथ में मूली है, मिक्स मूली लगाई है, लंबी भी है गोल भी है। और ये भिंडी के पेड़ हैं, भिंडी के ये भी काफ़ी बड़े हो गए, अब इसमें भिंडी लगनी स्टार्ट हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। और ये है लाल मिर्च, कश्मीरी, कश्मीरी तो नहीं कहेंगे इसको, भदरवाही कहेंगे, भदरवाही लाल मिर्च है। और साथ में लगा है करेला, इसमें लगते हैं करेले की बेल है, इसमें करेले लगते हैं। और इसकी बैक साइड है जिसमें फूल लगे हुए हैं, वो है खीरे के बेल। तो गाय को लेता हूँ मैं अभी अंदर, काफ़ी टाइम हो गया है, इसको मच्छर खा रहे हैं, बड़े मुश्किल से लेना पड़ता है। अभी तक बैठी हुई थी, जब मैं अंदर को लेने की कोशिश कर रहा हूँ अब आ नहीं रही है, अब ये नखरे मारेगी। अब देखिए फिर भी नखरे मार रही है, अभी फूल खा दिए। जब अंदर को ले रहा हूँ तभी इसको भूख लग रही, देखो अभी खींच के भजाता हूँ मैं इसको अंदर। तो भाई अभी बन गया चाय का प्रोग्राम, गाय अंदर डाल दी है, अब मैं थोड़ी सी चाय पीता हूँ। तो ये रही टमाटर, जिस टमाटर का पेड़ मैंने आपको दिखाया उस पर लगे हुए थे, इसको भदरवाही में आमले भट्टे बोलते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। और चाय जो बन के तैयार हो गई थी उसको मैं पी रहा हूँ, काफ़ी टेस्टी, मज़ा ही आ गया। अब जाते हैं इसके बाद। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं पानी लाने, क्योंकि पानी नहीं था। अब मैं पापड़ी चीजो चिंगम खाने की घास कहते भाई हैं खदर चलती है पापा, ये अच्छे से चल रहा है। अच्छा अच्छे से चल, पानी लाने चलना है क्यों? पापा गए थे अभी पानी लाने, आपने नहीं लाना? ठीक है अभी जाऊंगी मैं। हाँ अभी जाऊंगी ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ ना पानी लाने, ठीक। आज इधर शुक्र का रश नहीं है, नहीं तो इधर काफ़ी रश होता। आज सिर्फ मैं ही था, अकेला हूँ, लोगों ने काफ़ी गाना मचा के रख दिया। इधर पत्ते जड़े हुए हैं और सबसे पहले भरता हूँ मैं पानी, तो ये पानी मेरे के अलग में जा रहा है, इसके बाद खा। तो गाइस पानी लेके पहुँच गया हूँ घर में, काफ़ी थकावट हो गई। और मुझे रास्ते में मिले थे छोटे छोटे बच्चे, जो बोल रहे थे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला यार पानी लाने जा रहा हूँ, चलो अभी चलते हैं। पर वो नहीं आया यार, मुझे अकेला पानी लाना पड़ा। और आज रश भी नहीं था, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं पानी लेने के लिए, चश्मे का बाज़ार से भी आते हैं, कुछ लोकल होते हैं, काफ़ी रश रहता है। तो आज मैं गया था कोई नहीं था और मैंने पानी भर के आ गया घर, अब करता हूँ थोड़ा जैसा रेस्ट। तो गाइज ये था मेरा एक छोटा जैसा ब्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय, सी यू।